टुडेज टॉपिक इज मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन वन डायमेंशन। इसे हम स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहते हैं, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। इसके काफ़ी सारे एग्जांपल्स हम डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे कि किसी पत्थर को हम उठाते हैं और नीचे ड्रॉप करते हैं, या कोई बॉल ली उसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर दिया, तो ये मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन है वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, अपवर्ड और डाउनवर्ड। एक स्ट्रेट हाईवे में कार जा रही है, वो भी वो मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन है, उसका एक्सेलेरेशन हो सकता है, उसका यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है। तो जैसे कि यूनिफॉर्म मोशन की अगर बात करें तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल दिस इज द कार, इट इज़ मूविंग विथ कांस्टेंट और वेरिएबल वेलोसिटी। वो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब अलग से हम समझेंगे, बट फिलहाल हमें समझना है कि मोशन इन वन डायमेंशन क्या होगा। अब जैसे मैथ्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सिस, तो वहाँ जो पोजीशन चेंज होगी वो एक्स पोजीशन हो जाएगा। जैसे कि एक्स एक्सिस की मैं बात करूँ, सो पोजीशन एक्स चेंजिंग विथ टाइम, टाइम के साथ अगर पोजीशन चेंज हो रहा है और एक्स डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, सो इसे हम कहेंगे मोशन अलोंग एक्स डायरेक्शन। अब एक्स डायरेक्शन में दो डायरेक्शन आएंगी, पॉजिटिव एक्स हो सकता है, नेगेटिव एक्स हो सकता है। राइट वर्ड पॉजिटिव एक्स हो जाएगा, लेफ्ट वर्ड नेगेटिव एक्स हो जाएगा। तो जो वेक्टर क्वांटिटी राइट वर्ड है उसको हम पॉजिटिव ले लेंगे, जो वेक्टर क्वांटिटी लेफ्ट की तरफ है उसे हम नेगेटिव ले लेंगे। जैसे कि वेलोसिटी है 2 meter per second राइट वर्ड, तो हम पॉजिटिव ले लेंगे, और वेलोसिटी अगर 2 meter per second लेफ्ट वर्ड है तो उसे हम नेगेटिव ले लेंगे। सो राइट और लेफ्ट का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव से यहाँ होएगा। वर्टिकल मोशन में हम पॉजिटिव डायरेक्शन अपवर्ड ले लेंगे और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेंगे। सो कहने का मतलब दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है स्ट्रेट लाइन मोशन में, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, राइट लेफ्ट अप डाउन लाइक दैट। तो सबसे पहले इसमें हम अभी समझते हैं पोजिशन एक्स, टाइम के साथ चेंज होना चाहिए। मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस मींस पोजीशन एक्स मस्ट चेंज विथ टाइम, पोजीशन एक्स मस्ट चेंज विथ टाइम। टाइम के साथ पोजीशन अगर चेंज नहीं होगा तो वो रेस्ट में होगा, ये भी लिख लेते हैं, इफ़ इट इज़ नॉट चेंजिंग। नॉट चेंजिंग का मतलब क्या वो कांस्टेंट है, ब्रैकेट में लिख लो, अगर वो कांस्टेंट हुआ मतलब एक्स की वैल्यू अगर कांस्टेंट है चेंज नहीं हो रही है तो हम उसको रेस्ट कहेंगे, देन इट इज़ सेट टू बी एट रेस्ट, देन इट इज़ सेट टू बी एट रेस्ट। ठीक है, सो मोशन में रहने के लिए पोजीशन एक्स का चेंज होना ज़रूरी है, अगर एक्स कांस्टेंट हुआ तो वो रेस्ट में माना जाएगा। फिर यहाँ से अब देखो अगली क्वांटिटीज़ आएंगी, अब डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन, तो एक एक करके हम समझते हैं। ठीक है, अब ये जो पोजीशन हम मेजर करेंगे या फाइंड करेंगे, एक रेफरेंस पॉइंट लेना होता है, जनरली वो रेफरेंस पॉइंट होता है ओरिजिन। सो ओरिजिन इज एक्टिंग एज रेफरेंस पॉइंट। जैसा कि मैंने वेक्टर में बहुत पहले एक्सप्लेन किया था कि जब भी हम किसी पार्टिकल का पोजीशन बताते हैं तो एक रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है। ठीक है, मतलब कहीं रेफरेंस पॉइंट से किस डायरेक्शन में हम कितना चलें तो वो कहलाएगा पोजीशन।
अब जैसे कि मैंने कहा x इज़ इक्वल टू प्लस 3 मीटर, इट मीन्स यू हैव टू ट्रेवल 3 मीटर ऑन द राइट साइड ऑफ ओरिजिन, ट्रेवल 3 मीटर राइट साइड ऑफ ओरिजिन, ये इसका मतलब हुआ। x इज़ इक्वल टू -5 लिख दिया तो इसका मतलब क्या होगा, x इज़ इक्वल टू -5 मीटर मीन्स फ्रॉम द ओरिजिन ट्रेवल 5 मीटर लेफ्टवर्ड, फ्रॉम ओरिजिन ट्रेवल 5 मीटर लेफ्टवर्ड, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, पोजीशन का 0 पर है मतलब वो ओरिजिन में ही है, क्लियर। अब ये पोजीशन चेंज होती है तो डिस्प्लेसमेंट आता है। सो नेक्स्ट, पोजीशन के बाद हम एक क्वांटिटी पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट, इसको हम एस वेक्टर से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब ये वेक्टर है, इसका दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है, अगर एक्स डायरेक्शन की बात करें तो पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स। सो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे, चेंज इन पोजीशन मींस डेल्टा एक्स, इसका फॉर्मूला हो जाएगा x2 - x1, दिस इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और अगर इंटीग्रेट करके निकालना है तो हम इसे इंटीग्रेशन ऑफ dx भी कह सकते हैं। व्हाट इज़ dx? dx इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, सो dx 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 ऐड होता जाएगा, dx प्लस dx प्लस dx एंड सो ऑन, यू विल गेट डेल्टा x। छोटे छोटे चेंजेस को जब हम ऐड करते हैं तो एक बड़ा चेंज मिल जाता है, तो वही तो हम कहते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एडिंग स्मॉल स्मॉल चेंजेस, इंटीग्रेशन मीन्स एडिंग स्मॉल चेंजेस, स्मॉल स्मॉल चेंजेस, छोटे छोटे चेंजेस को जब हम ऐड करते हैं तो एक बड़ा चेंज मिलता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इंटीग्रेशन। तो जैसे कि यहाँ पर s को हमने डिस्प्लेसमेंट के लिए लिया तो ये इंटीग्रेशन ऑफ dx हो गया, dx इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट और यही हो जाएगा फिर डेल्टा x। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा x। इसके कुछ मैं एग्जांपल्स कराता हूँ और फिर हम इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते हैं, जब वेलोसिटी दिया रहेगा तो थोड़ा सा कैलकुलस भी आएगा। देखो ध्यान से, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। चलो पहले एक अपन एक क्वेश्चन लिखते हैं, पोजिशन x ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 3t2, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट थ्री सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये फर्स्ट 3 सेकेंड का मतलब समझो, पहले के 3 सेकेंड, यानी कि मोशन जब हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया उस टाइम से 3 सेकेंड तक, हो सकता है कि मोशन पहले से हो रहा हो, मैंने जब उसको देखा फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया तो उसको हम कहते हैं टी इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब होता है फर्स्ट इंस्टेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, और इसके आगे हम कितने सेकेंड तक ऑब्जर्व किए हैं, 3 सेकेंड तक, तो उसका डिस्प्लेसमेंट पूछा है। सो x1 हो जाएगा 3 × 0² दैट इज 0 मीटर, और x2 क्या हो जाएगा, टाइम की क्या वैल्यू रखनी पड़ेगी, 3 सेकेंड। ठीक है, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, यहाँ x2 में पुट कर दो, सो दिस इज 3 × 3² ये हो गया 27 मीटर। सो डेल्टा x जो कि डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा x2 - x1, 27 - 0, 27 मीटर। तो यहाँ पॉजिटिव आंसर आ रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ हुआ है। अगर मैं वेक्टर के फॉर्म में इसको ड्रॉ करूँ तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट 27 मीटर। इसका टेल कहाँ होगा, ओरिजिन पर, और इसका हेड कहाँ होगा, 27 मीटर पर। ठीक है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं लिखता हूँ, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब तीसरा सेकेंड। ठीक है ना,
तीसरा सेकंड शुरू कब होगा? जब शुरू के 2 सेकंड फिनिश हो जाएंगे। और तीसरा सेकंड फिनिश कब होगा? जब शुरू के 3 सेकंड फिनिश हो जाएंगे। यानी कि स्टार्ट एट इंस्टेंट टी इज इक्वल टू 2 एंड फिनिश एट टी इज इक्वल टू 3। सो x1 क्या होएगा? सेम क्वेश्चन है, सेम रिलेशन यूज़ करना है, x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर। सो x1 हो जाएगा 3 into 2 स्क्वायर और x2 हो जाएगा 3 into 3 स्क्वायर। देखो ये हो गया 12 मीटर और x2 हो गया 27 मीटर। सो अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डेल्टा एक्स x2 माइनस x1 दैट इज 27 माइनस 12, आंसर आया 15 मीटर। समझ आई बात? तो ये 15 मीटर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये 3rd सेकेंड का है। सो वेन एवर पोजिशन एक्स इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वी नीड टू यूज दिस फॉर्मूला x2 माइनस x1। इसे हम कहते हैं पोजिशन एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, पोजिशन एक्स एज फंक्शन ऑफ टाइम। डिफरेंस निकाल लो और वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। प्लस और माइनस का ध्यान रखना, दैट्स इट।